निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकट दिख रहा है और इस पर पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जी ऐसे जानकारी सामने आ रही है, रुझानों में गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन 81,000 वोटर से जो वोट है उससे आगे चल रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्जिन को लेकर जानकारी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्जिन पर ही हर किसी की निगाहें बनी हुई हैं। और अब की बार 81,000 वोटों से गोरखपुर, क्योंकि पूर्वांचल की बड़ी सीट है और इसको लेकर भी हर किसी की निगाहें बनी हुई थी, और अब की बार रवि किशन को यहाँ से 81,000 वोटों से अभी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से बार बार हम जिक्र करें कि रुझान है, अभी परिणाम ये घोषित नहीं हुए हैं, पर परिणाम भी कहीं ना कहीं जिस तरह से समय बीत रहा है ये जो रुझान है वो परिणामों में तब्दील होते हुए बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दीप्ति जी बिल्कुल पूजा, देखिए ये रुझान है लेकिन कहीं ना कहीं रुझान के जो आंकड़े हैं वही परिणाम में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और हमारे पास यहाँ पर एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा पैनल है जो लगातार बदलता रह रहा है। तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी राय रख रहे हैं तमाम मुद्दों पर, और बुलेट ट्रेन के माध्यम से भी हम आपको जो आंकड़े हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की 80 सीटों की बात करें तो एनडीए के पास 39 और विपक्षी गठबंधन के पास 40 और एक सीट जो है वो अन्य के पास है, यानी कि कुल मिलाकर जो पूरा मामला है वो आधे आधे पर भी नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर भी यूपी में विपक्षी गठबंधन के पास एक सीट ज्यादा है, जो बेहद ही जो परिणाम सोचे जा रहे थे उसके बिल्कुल ही उलट। और हमारे साथ हमारे पैनल में एक नए एक्सपर्ट भी जुड़ गए, हमारे साथ राजीव जी है। राजीव जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर, अब यूपी की जो तस्वीर है रुझानों में वो पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है। राजीव जी दीप्ति जी देखिए भाजपा के हिसाब से ये परिस्थिति अकल्पनीय है, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान घूमे तो ऐसा महसूस होता था कि इनका वोटर कुछ इनसे नाराज है, और मौसम के हिसाब से तमाम ऐसी लोकल परिस्थितियां थी कि इनके कार्यकर्ता बहुत निकले नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था वो ठीक से वोटिंग हो नहीं पाई ऐसा हमने महसूस किया। इसके बावजूद ऐसी स्थिति होगी ऐसा मुझे नहीं लगता था। तो निश्चित तौर पर जो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो एक अच्छा रोल प्ले करती थी, बहुजन समाज पार्टी का कुछ वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को गया है और इसीलिए ऐसी परिस्थिति शायद बनी है। बिल्कुल रतिभान जी, मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के जो हम आंकड़े देख रहे हैं रुझानों के, क्या कहेंगे, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है? नहीं, उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष नहीं जी, ओवर देन मजबूत है जी, कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गया है, तो ये आगे सरकारों के लिए बहुत टकराव वाला माहौल रहेगा, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। उत्तर प्रदेश के मुद्दे जब गंभीरता से विपक्ष उठाएगा तो इन दोनों सरकारों को परेशानी तो होगी, और मैं ये मेरा ये मानना है कि मजबूत विपक्ष चाहिए तो मजबूत विपक्ष मिल गया। अब बात आते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, तो एक जो गोवंश है जिसके लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम ये कर देंगे, बाड़े बनवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, वो किसान और नौजवान जिनका जिनके पेपर आउट हुए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जिनके पेपर आउट हुए, सरकार ने कहा कि हम कानून व्यवस्था के पहलू पर बहुत मजबूत हैं, तो ये भी कानून व्यवस्था का एक पहलू था कि आपने ठीक अपराधियों का सफाया किया, इससे जनता बहुत खुश है और जो सीटें मिली हैं शायद उसी का उसका भी एक योगदान माना जा सकता है। लेकिन जनता ने को ये जो पेपर आउट हुए तो नौजवान और किसान जिनकी खेते जिनके फसलें बच नहीं पा रही थी, वो खेत में बोकर आते थे लेकिन फसल काट कर नहीं लाते थे, वो अब तक बना हुआ है। सरकार ने दावे किए थे, पिछली बार मोदी जी ने विधानसभा चुनाव से पहले ही कहा था कि नहीं हम दिसंबर तक, 2-3 दिसंबर बीत गए, वो अभी तक वापसी हुई नहीं है, वो गोवंश वैसे छूटा हुआ है। तो किसान इस बात से नाराज था कि हमें ऐसे हम पहले हम जीवित रहें या गायें जीवित रहें, गायों का जीवित रहना बहुत जरूरी है, पशुओं की रक्षा बहुत जरूरी है, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था में और हमारे तंत्र में सहायक होते हैं पशु, लेकिन पहले मनुष्य जीवित रहेगा तभी तो पशु जीवित रहेंगे जी। तो ठीक है, पशुओं की सुरक्षा सरकार को करनी चाहिए थी, किसानों के स्तर से करनी चाहिए थी, अपने स्तर से करनी चाहिए थी। अफसरों ने लगातार सरकार को गुमराह किया कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, बड़े बड़े वहां जानवरों के लिए बाड़े बनाए लेकिन वहां जानवर भूखों मरे, इस बात की तस्दीक करने वाला कोई था नहीं। अफसरों का विधायकों की वो देख लीजिए, विधायकों की कोई कलेक्टर बात नहीं सुनता था, सांसद की बात नहीं सुनता था, जब उनकी ये हालत रहेगी तो भी हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएंगे। तो जब ये सारे मुद्दे अब क्लियर कट होके आ रहे हैं
कि सांसदों और विधायकों की बात सुनी नहीं गई। पशुओं का मुद्दा, जो आवारा जानवरों का मामला अब तक क्लियर हुआ नहीं, आवारा जानवर लगातार किसानों को परेशान करते रहे, और नौजवानों का कानून व्यवस्था बेशक बहुत अच्छी हुई, तमाम अपराधी मारे गए, उनको मारा ही जाना चाहिए था, किस कैसे मारे गए ये अलग विश्लेषण का विषय हो सकता, लेकिन अपराधियों को सफाया हुआ अच्छी बात। लेकिन जो ये विषय आया कि बार बार पेपर आउट हो जा रहा है, तो ये कहां, ये कौन सा, ये कानून व्यवस्था का ये भी पहलू है, आपकी कानून व्यवस्था, आपके आपकी हना कितनी ज्यादा है, लेकिन कानून व्यवस्था के पहलू पर आप ये वो अपराधी जो इस तरह का आर्थिक अपराध कर रहे हैं वो नहीं डर रहे हैं, वो पेपर आउट कराते, पैसे लेके तो आउट कराते होंगे, तो आर्थिक अपराध कर रहे हैं वो नहीं डरे, इसका मतलब कि एक नौजवान किसान और खुद जनप्रतिनिधि जो विधायक सांसद हैं जिनकी बात कलेक्टर ने नहीं सुनी, जिनके मसलों को सॉल्व नहीं किया, हल नहीं किया, उन सब ने नाराजगी दिखाई और उसका परिणाम चुनाव परिणाम में जो रुझान अभी हैं जो कुछ ही देर परिणाम बदल जाएंगे दिखाई पड़े। रतिबान जी देखिए, आपने युवाओं की बात की, किसानों की बात की, लेकिन पीएम मोदी ने कहा था शुरुआत में ही कि मेरे लिए सिर्फ चार जातियां हैं, युवा, किसान, महिला और मध्यम वर्ग। हमारे साथ सुशील जी है। सुशील जी, क्या हुआ ये वाला भी जो फॉर्मूला था, क्या वो कहीं काम नहीं आया? देखिए आंकड़े आ रहे हैं जी, निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में जो जाति की भूमिका है अलग अलग सभी राज्यों में, चाहे दक्षिण के राज्य हों या उत्तर के राज्य में हों, तो जी आपको रोकूंगी, कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को एक बार दिखा दो, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करें तो एनडीए के पास 39 और विपक्षी गठबंधन 40 और अदर अन्य के पास एक, यानी कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो सीधे तौर पर अब सामने आ गई। 80 सीटों का जो रुझान है वो हमारे पास आ गया, हालांकि ये अभी सिर्फ रुझान है, परिणाम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम की ओर बढ़ते हुए ये रुझान 39 सीटें एनडीए के पास और विपक्षी गठबंधन के पास 40 सीटें। सुशील जी, जी तो निश्चित रूप से देखिए, मोदी जी को ये बात पता थी कि विपक्षी दल खासतौर पर जो एनडीए गठबंधन है उसका पूरा फोकस, चूंकि बार बार बात हो रही थी जाति जनगणना की और ऐसे जाति आधारित मुद्दे उभारे जा रहे थे, तो मोदी जी को पता था कि जब जाति आधारित चुनाव होगा तो उनकी पार्टी की जो विचारधारा है, उसके जो कार्यक्रम हैं और जिस तरह से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के पार्टी आगे बढ़ी, तो वहां हम काफी पीछे हो जाएंगे। तो मोदी जी ने इस विमर्श को तोड़ने की कोशिश किया और उन्होंने नारा दिया कि हमारे लिए चार जातियां महत्वपूर्ण हैं। पहला है महिलाएं, जिनका करीब 50% योगदान है, और महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए, खासतौर पर आर्थिक और सामाजिक पहचान महिलाओं को देने के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण था युवा, जिस तरह से आज हमारा युवा ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ रहा है और एक नए राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण है किसान, कैसे किसानों की आय दुगनी करनी है, कृषि के क्षेत्र में नए परिवर्तन करने हैं। और चौथा गरीब, कि गरीबों के हित के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार की चलाई गई। तो कहीं न कहीं से विपक्ष के जाति जनगणना और जाति आधारित मुद्दों को पीछे छोड़ने के लिए मोदी जी ने नया विमर्श स्थापित किया। और देखिए, मैं अभी मानता हूं कि मुद्दा बहुत सकारात्मक रहा, कई राज्यों में देखिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण सारी सीटें मिली हैं। निश्चित रूप से दो बार जब आप सरकार में होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं कहीं होती है, उसका प्रभाव थोड़ा दिखा है कुछ राज्यों में, लेकिन अगर आप देखें कि लगातार तीसरी बार अगर गठबंधन वापसी कर रहा है एनडीए गठबंधन, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और निश्चित रूप से कहीं कहीं इसका प्रभाव जरूर दिखा है। जहां तक नाराजगी की बात है, वहां लोकल कैंडिडेट से या कुछ स्थानीय मुद्दे थे, कुछ राज्यों में पीछे रह गए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन बाकी राज्यों में अगर आप देखें तो बहुत तेजी से, खासतौर पर उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में आप देखिए, तो कई राज्यों में निश्चित रूप से इसका फायदा मिला है। बिल्कुल, और हमारे साथ सपा प्रवक्ता